My dear students, this is 28th assignment of gymnosperm. इसको vascular plant कहते हैं. vascular क्यों? क्योंकि इसमें xylem phloem present होते हैं और साथ ही इनके जो seeds होते हैं उनके ऊपर कोई covering नहीं होता, इस नाते उनको naked seeds बोलते हैं. इनके तीन ग्रुप हैं, साइकेडोफाइटा, कोनिफरोफाइटा, फेड्रोफाइटा. साइकेडोफाइटा वो ग्रुप है जो कि प्लेन एरिया में पाया जाता है. देखिए इसके एग्जाम्पल साइकेड्स हैं, जैसे साइकस पेक्टिनेटा, साइकस रॉक्स बर्गाई, साइकस सिरसिनेलिस. दे ग्रो इन द कूलर, ये प्लेन एरिया में पाए जाने वाले हैं. साइकस सिरसिनेलिस वो प्लांट है जिसके स्टेम से सागो एक्सट्रैक्ट होता है, जो लिक्विड फॉर्म में प्योर स्टार्च होता है, जिसको सॉलिडिफाई करके स्मॉल ग्रेन्यूल्स में चेंज करते हैं. इसको हम वाइल्ड साइकेड्स के रूप में भी जानते हैं, दिखा जा लिखा हुआ है. तो ये प्लेन एरिया में पाया जाता है, जो लिटिल बिट वार्मर क्लाइमेट में पाए जाने वाले हैं. ये साइकस सिरसिनेलिस एक और कारणों से जाना जाता है. इसका जो रूट होता है, ये दो तरह के रूट इसमें पाए जाते हैं, नॉर्मल रूट एंड कोरेलोइड रूट. कोरेलोइड रूट एक सिम्बियोटिक रूट होता है जिसके कार्टेक्स में एना बिना एल्गी पाया जाता है और दोनों के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है. तो कोरेलोइड रूट जो साइकस का है वो सिग्निफिकेंट है. दूसरा है कोनिफरोफाइटा. कोनिफरोफाइटा में कोनिफर्स आते हैं. यहाँ लिखा है ये मोस्ट प्रिडोमिनेंटली कूलर रीजन में पाए जाने वाले हैं. ये जहाँ पर ऐसा कूलर एरिया जहाँ पे स्नोफॉल ही वाटर का सोर्स होता है, रेन से ज़्यादा स्नोफॉल ही वाटर का सोर्स होता है. इंडिया में ये हिमालयन रीजन है, वहाँ ये टिम्बर लाइन बेल्ट को फार्म करते हैं. पाइनस, सिडार, स्प्रूस, फर, साइप्रेस, ये इसके एग्जांपल हैं. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. आरोसिया, ARAUCIA, आरोसिया इज ओनली कोनीफर दैट ग्रो इन वार्मर क्लाइमेट. ये पूरे कोनिफरोफाइटा में आरोसिया ही एक ऐसा प्लांट है जो वार्मर क्लाइमेट में पाया जाता है. कोनिफर, दे आर रिच सोर्स ऑफ टर्पेंटाइन एंड रेजिन, जो पेंटिंग और वार्निश के प्रिपरेशन में यूजफुल होते हैं. चिलगोजा पाइनस जिराडियाना का सीड है जो यूजफुल होता है, एडिबुल होता है, इटेरियस होता है. इफेड्रोफाइटा का एग्जाम्पल इफेड्रा है. एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर सिडार लिखा हुआ है. सिडार, ये सिडार से बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये सिडार वुड आयल प्रोड्यूस करता है, सिडार. और सिडार वुड आयल से माइक्रोस्कोप लेंस की क्लीनिंग होती है, इम्पॉर्टेंट होता है ये. और चिलगोजा सीड पाइनस जिराडियाना में होता है. इफेड्रा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इफेड्रा से इफेड्रिन नाम का ब्रांकोडायलेटर प्रोड्यूस होता है, जो कफ सिरप का काम करता है. जो जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल्स होते हैं उसमें सिंगल इंटेगमेंट होता है. ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये कॉमन है एक करेक्टर में कि तीनों में आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन में के रूप में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम आर्किगोनिया प्लांट बोलते हैं इन तीनों को. अगले असाइनमेंट में आपको जिम्नोस्पर्म की लाइफ हिस्ट्री बताई जाएगी.